दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सिख गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के आवास पर हुआ। प्रधानमंत्री अक्सर सिख गुरुओं से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, गुरुद्वारों में माथा टेकने जाते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विभाजन में हमारे पंजाब के लोगों ने, देश के लोगों ने जो बलिदान दिया है, उसकी स्मृति में देश ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत की है। विभाजन के शिकार सिख हिंदू परिवारों के लिए हमने CEA कानून लाकर उन्हें नागरिकता देने का प्रयास भी किया है। सभी को और सभी देशवासियों को गुरु पर्व की, प्रकाश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज ही देश में देव दीपावली भी मनाई जा रही है। विशेषकर काशी में बहुत भव्य आयोजन हो रहा है। लाखों दियों से देवी देवताओं का स्वागत किया जा रहा है। मैं देव दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि कार्यकर्ता के तौर पर मैंने काफी लंबा समय पंजाब की धरती पर बिताया है और उस दौरान मुझे कई बार गुरु पर्व पर अमृतसर में हरमिंदर साहब के सामने मत्था टेकने का सौभाग्य मिला है। अब मैं सरकार में हूं तो इसे भी मैं अपना और अपनी सरकार का बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि गुरुओं के इतने अहम प्रकाश पर्व हमारी सरकार के दौरान आए। हमें गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व मनाने का सौभाग्य मिला। हमें गुरु तेग बहादुर जी के 400वां प्रकाश पर्व मनाने का सौभाग्य मिला। और जैसा अभी बताया गया लाल किले पर, तो बहुत एक ऐतिहासिक और पूरे विश्व के एक संदेश देने वाला कार्यक्रम था। 3 साल पहले हमने गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव भी पूरे उल्लास से देश और विदेश में मनाया। साथियों, इन विशेष अवसरों पर देश को अपने गुरुओं का जो आशीर्वाद मिला, उनकी जो प्रेरणा मिली, वो नए भारत के निर्माण की ऊर्जा बढ़ा रही है। आज जब हम गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं,